मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भानु प्रभा संजा संजा अनित अप्रपंक्ति भानुं तिरोधाय विजृंभते यथा आत्मोदित अहंकृति आत्मतत्त्वं तथा तिरोधाय विजृंभते स्वय। अर्थ देखिए, भानु प्रभासा जनित अभ्रपंक्ति। भानु सूर्य जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला, सूर्य कोई ठककर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ यह अहंकार आत्मा को आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है। अर्थ फिर देखिए, भानु प्रभासात भानु प्रभा संजात अनिल अभ्रपंक्ति। सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई जो मेघमाला सूर्य को ही ढक देती है और स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मोदित अहंकृति आत्मा से उत्पन्न हुआ जो अहंकार आत्मतत्त्वम तथा तिरोधाय आत्मतत्व को ढक करके और स्वयं सामने आ जाता है। इस मंत्र पर विचार कर रहे हैं हम लोग। पीछे जो हम लोगों ने विचार किया था कि आत्मा को ठग दिया देहात्म बुद्धि ने, देह के साथ में जो आत्म बुद्धि हुई उस आत्म बुद्धि के कारण यह जीव अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। अब सवाल यह होता है किस प्रकार से कोई कार्य अपने कारण को किस प्रकार से ठग सकता है, कोई कार्य अपने ढंग अपने कारण को किस प्रकार से पीछे ढकेल सकता है। उसके लिए शंकराचार्य जी ने इस मंत्र को पढ़ा। भानु प्रभा सूर्य की जो प्रभा किरणें उस प्रभा से उत्पन्न क्या होता है, मेघ। जो बादल बनते हैं, जो मेघ बनते हैं, उन मेघ के बनने का तरीका कारण होता सूर्य, मेघ के बनने का कारण होता सूर्य की किरण। इस सूर्य की किरणों के बिना मेघ नहीं बन सकता, तो मेघ के प्रति कारण, बादल के प्रति कारण, क्लाउड्स के लिए कारण क्या होता, सूर्य की किरण। अभ्रपंक्ति, तो सूर्य के कारण, सूर्य की किरणों के कारण मेघों का निर्माण होता है, मेघ बनते हैं। और वही मेघ जो सूर्य से उत्पन्न हुआ है वो सूर्य को ही ढक देता है। भानुं तिरोधाय सूर्य को ढक देता है। तो जब आप आकाश में देखते हैं तो आपको जब क्लाउडी होता है, बादल होते हैं, तो बादल दिखाई पड़ता है।
लेकिन बादल का कारण जो सूर्य है वो ठग जाता है। बिजरिम बतेई यथा, तो हमारे सामने आके बादल खड़ा हो जाता है और सूरज जो उसका कारण है वो ठग जाता है। सीधा सीधा एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार से आत्मोदित अहंकृति, जो अहम भाव है, आईनेस, मैं हूं, उस मैं हूं ये विचार, ये थॉट, ये ज्ञान हुआ कैसे, इसका कारण क्या है, आया कैसे अस्तित्व में, ये मैं हूं। जड़ पदार्थों में ऐसा भाव थोड़ी आता कि मैं हूं। मैं होने के बाद फिर आप अलग चीजों को जोड़ते रहते हो, मैं मनुष्य हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, साधु हूं, ग्रस्त हूं, फिर दूसरे विचार उसमें ऐड होते रहते हैं। लेकिन मूल क्या, अहंकृति, अहंकार, मैं। अहंकार का अर्थ हुआ ऐसा नहीं कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, उस अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं, अहंकार की बात कर रहे हैं, अहंकृति, मैं बस। ये जो आईनेस आया, मैंपन आया, ये मैंपने का पीछे कारण क्या है, बहुत आप दृष्टांत को सही से समझ लेंगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे आकाश में जो बादल हैं उनको बनाने के लिए सूर्य का होना बहुत जरूरी है, बिना सूर्य के बादल नहीं बनेंगे, ऐसे ही बिना उस आत्म तत्व के, बिना उस आत्म तत्व के अहम भाव नहीं आएगा। अहम भाव बिना उस आत्म तत्व के नहीं आएगा। तो आत्म तत्व को, इस अहम भाव के प्रति कारण क्या है, आत्मोदित अहंकृति, आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो अहंकृति अहम भाव है, मैं, ये कैसे पैदा होता है, आत्मा के कारण पैदा होता है। आत्मा तो व्यापक है, सब जगह पैदा नहीं होगा, उसके लिए जैसा आप समझते हैं कि अमुक जगह आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उस प्रतिबिंब के कारण ये भाव पैदा होगा, अहंकृति। अब ये जो अहंकार है, मैं, ये क्या करता है, आत्म तत्त्वम तथा तिरोधाय, आत्म तत्व को, जो आपकी रियलिटी है, जो वास्तविकता है, सत चिद आनंद स्वरूप है, उसको तिरोधाय ढक देता है। तो ढकने का अर्थ हुआ, इतने अर्थ है ढकने का, है वह आत्म तत्व आपके सामने है, लेकिन उसके, आप और आपके आत्म तत्व के बीच में जो अहंकार पैदा हो गया, अहंकृति आ गई है, जैसे आपकी आंखों के और सूरज के बीच जो बादल आ गए हैं, वो बादलों ने सूरज को ढक दिया, ऐसा लगता है, ऐसे ही लगता है। इस सब जगह व्यापक जो परमात्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, वह उसको इसने ढक दिया, तथा तिरोधाय विजृंभ, और आपके सामने स्वयं खड़ा हो गया, जैसे बादल आपके सामने खड़े हो गए, सूरज पीछे चला गया, ऐसे ही अहंकृति, मैं मनुष्य हूं, मैं बुद्धिमान हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, और अनेक प्रकार के जो विचार है, इन विचारों के कारण आपका जो स्वरूप है ठग जाता है। तो ये विचार बीच में आ गया, विजृंभते स्वयं, ये आके बीच में आके उसको ठग देता है। अगला मंत्र देखिए, कवलित दिन नाथे दुर्दने दुर्दिने सांद्र मेघैर व्यथयति हिम झंझा झंझा वायु रुक्रो यथैतान अविरत तमसा आत्मन्यावृते मूढ़ बुद्धिम क्षपयति भव दुखई ही प्रभिक्षेप शक्ति। अर्थ देखिए, जिस प्रकार किसी दुर्दिन में सघन मेघों के कारण सूर्य देव के आच्छादित हो जाने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तम गुण से आवृत होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है। अर्थ फिर देखिए,
श्लोक बड़े बड़े हैं। जिस प्रकार किसी दुर्दिन में, जिस दिन बादल होते हैं, ओवरकास्ट होता है, जिस दिन किसी दुर्दिन में सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव के आच्छादित होने पर अति भयंकर से ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है। अब देखिए, वो जो दृष्टांत आपने पहले सुना उसी को थोड़ा और आगे समझिए। शंकराचार्य जी ने यहां पर वेदांत के इस रहस्य को बताने के लिए भी बहुत ही सुंदर कविता के रूप में बताया है, आसान करके, बहुत ही सुंदर कविता के रूप से इतने सुंदर अर्थ को इतनी सुंदर भाषा में एक पूरा का पूरा उन्होंने चित्रण किया है कि आप ऐसा समझो, कबलित दीननाथ है। दीननाथ का अर्थ होता है सूरज भी कह सकते थे, सूरज, लेकिन उन्होंने थोड़ा ये कविता की तरह लिया। दीननाथ का अर्थ होता सूर्य, सूर्य कबलित, इसको ढकना भी कह सकते थे सीधे सीधे, लेकिन कबलित, बड़े संस्कृत के बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, कबलित दीननाथे। आप समझो जस सूर्य को ठग दिया गया है। कब दुर्दिनई, दुर्दिन संस्कृत में, संस्कृत में दुर्दिन, दुर्दिन का अर्थ होता है कि जो दिन अच्छा न हो। आप किसी को मिलते हो तो आप मिलने के बाद एक दूसरे को शुभ रात्रि या गुड डे बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो। कई लोगों तो काम भी आजकल सवेरे सब फ्री में गुड मॉर्निंग संडे के लिए, गुड मॉर्निंग मंडे के लिए, गुड मॉर्निंग अमुक डे के लिए। अरे मॉर्निंग तो हो ही रही है, तो हम चाहते हैं कि दिन अच्छा हो। तो पूरे के पूरे व्यक्तिगत नहीं, यहाँ शंकराचार्य सबके लिए बता रहे हैं कि दुर्दिन, तो संस्कृत में दुर्दिन का अर्थ होता है जिसको आप कहते हैं ओवरकास्ट। कैसा दुर्दिन है? सांद्र मेघई, जिस दिन आकाश में बहुत घने बादल भर गए, बहुत घने बादल भर गए, तो कुछ दिख नहीं रहा। जैसे कहीं पर अभी कोई तूफान आता है तो सारी की सारी मशीनरी लग जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं लोगों के। अब आप सोचो जैसे कहीं पर कोई साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन, उस साइक्लोन में बहुत तेजी से हवा, हिम झंझा वायु, झंझा वायु का अर्थ बहुत साइक्लोन। और आप समझो कि जहां पर टेम्परेचर माइनस हो और माइनस टेम्परेचर में जब आपको ठंडी बहुत होती तो आप चाहते सूरज भगवान थोड़ा निकले, सूरज की धूप थोड़ी मिले, आपकी ठंडी कम हो जाती है। अब आप ऐसा सोचो कि माइनस से नीचे टेम्परेचर है और आकाश में बादलों ने आके सूरज को ढक दिया, तो जो आपको उस माइनस के नीचे टेम्परेचर में थोड़ा सूरज की किरणों से आराम मिल सकता तो वो भी नहीं मिल रहा है। हिम झंझा वायु और बहुत तेजी से साइक्लोन आया, आकाश में बादल हैं, तेजी से हवा चल रही, हिम झंझा वायु, झंझा वायु बहुत तेजी से आंधी, साइक्लोन। तो कवलित दीननाथे सांद्र मेघ, ये शंकराचार्य जी की कविता है। हिम झंझा वायु उग्र, बहुत भयंकर आंधी चल रही थी, चांद्र में गई। इस हालत में क्या होता है कि जो कोई भी वहां पर है, बेचारा बाहर है, टेम्परेचर माइनस के नीचे है, आकाश में थोड़ी वर्षा हो रही है, आंधी बहुत तेज से हवा चल रही है, इस अवस्था में जो पड़ा हुआ व्यक्ति है, व्यथयति,
उसको बहुत कष्ट होने लगते हैं, निश्चित ही कष्ट होगा। हर चीज अनुकूल नहीं है, सब चीजें विपरीत जा रही है, हर कुछ चीजें सब चीजें विपरीत जा रही हैं। ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति दुख देने के लिए तैयार है, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसे दुखी करने के लिए व्यथित है। ये दृष्टांत है, अविरत तमसा आत्मन्या व्रते मूढ़ बुद्धिम। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे एक दृष्टांत है, क्योंकि यहां पर टॉपिक थोड़ा सीरियस है, बात को समझाने के लिए लगभग हर श्लोक में शंकराचार्य जी ने एक दृष्टांत दिया हुआ है और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो जैसे उस समय में वो व्यक्ति बेचारा दुखी होता रहता, चारों तरफ से दुख उस पर टूट पड़े, वैसे ही अविरत तमसा आत्मन्यावृत, ठीक जैसे चारों तरफ से दुखी है, ठंडी हवा चल रही है, आकाश से वर्षा हो रही, सूरज दिखाई नहीं पड़ रहा है, जैसे व्यक्ति बेचारा दुखी अवस्था में रहता है वैसे ही वह व्यक्ति भी दुखी होता है। तमसा वृते, जिस व्यक्ति के तमोगुण के कारण, तमोगुण जो उसकी आवरण शक्ति है, उस आवरण शक्ति के कारण क्या हुआ कि आत्मस्वरूप उसका ढक गया। आत्मस्वरूप ढकने के बाद में मूढ़ बुद्धि, बुद्धि तो है इसके पास लेकिन बुद्धि किसी काम की नहीं है। अविरत तमसा आत्मन्यावृते मूढ़ बुद्धि, बुद्धि बहुत है, समझदार बहुत है, लेकिन कोई भी समझदारी इस व्यक्ति को दुखों से दूर नहीं कर पाती। कितनी भी समझदारी किसी के अंदर में हो, कितना भी कोई बुद्धिमान हो, लेकिन वह कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति केवल एक कारण से, कारण क्या है, अविरत तमसा आत्मन्यावृते, उसका अपना स्वरूप ढक गया है और सब चीजें मालूम है, बुद्धिमान करता ज्ञानवान, उसको सब पता है, हर चीज मालूम है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन यह बुद्धिमान इसलिए मूढ़ बुद्धि कहलाता है। शंकराचार्य जी बोलते मूढ़ बुद्धि, ये बुद्धि किस काम की, ये बुद्धि है किस काम की, जिस व्यक्ति के पास में साधन नहीं वो दुखी है, लेकिन तुम्हारे पास तो साधन है फिर तुम क्यों दुखी हो। कि कितनी बड़ी बुद्धि हो, कितना भी कोई कुशल व्यक्ति हो, लेकिन कोई भी बुद्धि उसको दुखों से दूर नहीं कर सकती। छपयति बहु दुख ही तीव्र विक्षेप शक्ति, क्योंकि जैसे ही आवरण शक्ति आ जाती है, आवरण शक्ति आ गई, आवरण शक्ति आने के बाद में विक्षेप शक्ति आ जाएगी, जो मन है वो चंचल हो जाता, चंचल करते मन में बहुत तरह के विचार आने लगेंगे। जब ये हुआ कि मैं शरीर हूं, जब ये विचार आया मैं आत्मा नहीं हूं, तो आवृत हो गया, उसके बाद फिर कोई भी विचार आएगा, इस सब विचार मन को चंचल करने के कारण होते हैं। तो मन की चंचलता करते ऐसा नहीं कि मन में कोई बहुत बुरे विचार आए तो मन चंचल है, कोई भी विचार विक्षेप शक्ति, कोई भी शक्ति, ये विक्षेप शक्ति आके क्या करती, बहु दुख ही अनेक प्रकार के दुख, आप एक तरफ से दुखों का रास्ता रोकने की कोशिश करोगे उनको हजार रास्ते मालूम है तुम तक पहुंचने के लिए, एक रास्ता आप बुद्धि से बंद करते हो 50 रास्ते आ जाते हैं उनको पास होते हैं। बहु दुख ही अनेक प्रकार के दुख इस मूढ़ बुद्धि व्यक्ति के जीवन में निरंतर बने रहते हैं, उसका कारण होता है विक्षेप शक्ति। इन दो शक्तियों के कारण, अगला मंत्र देखिए, एताभ्याम एव शक्तिभ्याम बंधा पुंसः समागतः याभ्याम विमोहितो देहम
मत्वा आत्मानं भ्रमयति भ्रमति अयम्। अर्थ देखो, इन दोनों आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई और इन्हीं से मोहित होकर के देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। आगे देखिए, तो ये दो शक्तियां एताभ्याम शक्तिभ्याम, ये दो शक्तियों के द्वारा ही, ये दोनों शक्तियां कौन सी हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये दो शक्तियां ही बंधन, बंधा पुंसा समागता, पुंसा का अर्थ मनुष्य। मैंने आपको कई बार बोला कि शास्त्र उपदेश मनुष्य के लिए होता है, इसलिए शास्त्रों में मनुष्य लिखा होगा। मनुष्य मनुष्य ही ये चीजें कर सकता है, मनुष्य ही ये चीजें समझ सकता है, मनुष्य ही इसको पार कर सकता है, इसलिए शास्त्रों के सारे उपदेश मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए। तो मनुष्य ही अधिकारी होता शास्त्रों का, इसलिए शास्त्र कई बीच बीच में पुंसा उमान ऐसे शब्दों का प्रयोग करते। तो एताभ्याम एवं शक्तिभ्याम, इन दोनों शक्तियों के द्वारा, इन दोनों शक्तियों के द्वारा, एक शक्ति हुई आवरण शक्ति, जिसे आपका जो स्वरूप है वो ढक गया, और उसके बाद में विक्षेप शक्ति आ जाती है। उस विक्षेप शक्ति के कारण काम क्रोध मद लोभ मोह मत जो कुछ भी बोलो सारा संसार प्रारंभ हो जाता है। एताभ्याम्येव शक्तिभ्याम बंधा पुंसः समागतः, पहले जो क्वेश्चन था बंधा क्या, कैसे कथमे समागतः, आपको याद है सवाल, ओ नाम बंधा कथमे समागतः, ये बंधन आया कैसे, उसका गुरु उत्तर दे रहे बंधा समागता, ये बंधन आपके जीवन में ऐसे आया, इस प्रकार से आया। एताभ्याम में शक्तिभ्याम, तो बंधन के प्रति जो कारण है वे दो शक्ति है माया की, एक आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति, इन दोनों शक्तियों के द्वारा उनसा मनुष्य का बंधन समागता प्राप्त होता आ जाता, और उसके कारण उसके बाद क्या होता है, याभ्याम विमोहितो देहम मत्वात्मानं भ्रमयति, और इन्हीं के कारण याभ्याम विमोहिता, इसके कारण विमोहित होकर के भ्रम में जा करके, अब इसको आप अज्ञानी बोलो संसारी बोलो, किसी भी प्रकार से ये जो जीव है मोहित हो जाता है, विमोहित हो जाता है अपनी जो वास्तविकता है उससे छूट करके और संसार में लग जाता है। परिणाम क्या होता है, आत्मत्वा देहम आत्मानं मत्वा, इस देह को देखो, देह को आत्मा मानना कोई गलत नहीं होगा, देह को आत्मा मानो, लेकिन यही देह आत्मा है। प्रभु समस्या कब पैदा होती है कि जब आप इसी देह को आत्मा मानते, हर एक देह में ईश्वर रहता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति, तो ईश्वर और जीव का भेद कहां पर हो गया, ईश्वर हर एक देह को अपना मान लेता है, हर एक पूरा विराट उसका देह हो जाता है, पूरी समष्टि उसका शरीर हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जीव क्या करता है, इसी देह को एक पर्टिकुलर देह, एक खास देह, बस यही मैं हूं, यही मैं हूं, यहां से समस्या पैदा होती, आपने अपने को सीमित कर दिया इसी देह तक, ये देह आपका है बाकी दूसरे देह आपके नहीं है, आप इतने ही है, जो आपकी हाइट हुई वो आप, जो आपका वेट हुई आप, और कुछ भी आप नहीं, आपकी कोई सत्ता और कहीं नहीं, कोई अस्तित्व नहीं आपका, ये जो ज्ञान है इसको मोहित भ्रम बोलते हैं, याभ्याम विमोहितो देहम, इससे इसको बोलते हैं भ्रम, देह आपने पर्टिक
कुलर देह को, एक खास शरीर को अपना मान लिया, आपने अपनी सीमा कर दी, एक लिमिट बना दिया, इतना ही मैं हूं, ये समस्या अब पैदा हो जाएगी, इसको आप संभाल नहीं सकते। मत्वात्मानं भ्रमति अयम, उसके बाद क्या होता है, फिर ये भ्रमति, क्योंकि ये देह है जो आपने अपना मान लिया है, ये कब तक आपके साथ रहेगा, कब तक रखोगे, कितना भी संभालो, कोई भी वैक्सीन लगाओ, कोई भी दवाई ले लो, कुछ भी कर लो, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कब तक, धनवंतरी भी नहीं अभी तो, कब तक, एक खास समय के बाद में ये शरीर जाएगा, इसके जाने की चिंता नए के बारे में आपको पता नहीं क्या होने वाला है, नए के आने की चिंता, तो कुछ भी जब तक ये चीजें हैं तब तक ये विचार जब तक है तब तक शरीर बदल सकता है, लेकिन दुखों की परिस्थिति नहीं, शरीर बदल सकता है, आप शरीर जाएगा, पीछे वाला जो शरीर था उसके साथ भी ऐसी समस्याएं थी, आगे आने वाला जो शरीर होगा उसके साथ भी कुछ इसी तरह की समस्याएं होंगी, थोड़ी आगे पीछे होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जगह बदल जाए, शरीर बदल जाए, स्थितियां बदल जाए, लेकिन जो नहीं बदलेगी चीज वह दुख, सब चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि जब उसने अपने स्वरूप को ढक जाने के कारण एक खास देह को अपना रूप मान लिया, एक खास देह को अपने आप को स्वीकार कर लिया, अपने को लिमिटेड कर दिया, सीमित कर दिया, कुछ भी बदल लो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, थोड़े समय के लिए लगेगा, लेकिन जो मूल कारण है जब तक वो नहीं जाएगा तब तक ये दुखों का जो अंत कभी हो नहीं सकता है। शंकराचार्य कहते हैं याभ्याम विमोहितो देहम मत्वा आत्मानं भ्रमति, ये भ्रमति घूमता रहता है, कभी मनुष्य बन जाएगा तो मनुष्य की जैसी समस्याएं रहेंगे, कभी पशु पक्षी बन जाएगा तो उसकी अपनी समस्याएं पैदा हो जाएंगे, उनको दूसरी समस्याएं नहीं तो उनकी अपनी समस्या, कभी देवता बन जाएगा तो देवता की अपनी सब, क्योंकि एक पर्टिकुलर शरीर को आपने एक लिमिट को जब भी अपने को मान लिया है उसकी अपनी समस्या आ जाएगी, जब आप देव योनि में चले जाएंगे वहां भी राक्षस लोग आ जाएंगे झगड़ा करने को, देवताओं के यहां भी झगड़े खूब चलते हैं, मनुष्य बनेंगे तो मनुष्यों की अपनी समस्या है, किसी भी जगह जाओ, क्योंकि जो मूल कारण है वो मूल कारण जब तक है तब तक ऊपर से आप कुछ भी बदल दो, कुछ भी बदल जाए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो ये शंकराचार्य जी ने बोला एताभ्याम शक्तिभ्याम बंध पुंस समागता याभ्याम विमोहितो देहम मत्वात्मानं भ्रमति, गुरु ने कहा शिष्य को कहा इन दोनों शक्तियों के द्वारा साधक हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से बंधन आ जाता है, और इस बंधन के कारण यह निरंतर ही भ्रमित करता है, अनेक अनेक शरीरों में अनेक अनेक स्थितियों में भ्रमण करता रहता है। अगला मंत्र देखिए बीजम संस्कृति भूमि जस्य तुतमो देहात्मकी रंकुरो रागः पल्लव मम्बु कर्म तु वपुस्कंदो असव साखिकः अग्रणी इंद्रियाणि सहितस्य विषया पुष्पाणि दुःखं फलं नाना कर्म समुद्भवं बहुविधं भोक्ता अत्र जीवः खगः। एक और बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर अर्थ के साथ, बहुत बड़े बड़े श्लोक हैं, आज मुझे 5 श्लोक करने हैं। अर्थ देखिए संसार रूपी वृक्ष का बीज है अज्ञान, देहात्म बुद्धि इसका अंकुर है, राग इसके पत्ते हैं, कर्म इसका जल है,
शरीर इसका स्तंभ तना है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां उपशाखाएं हैं, और विषय पुष्प हैं, और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है, और जीव रूपी पक्षी इसका भोगता है। अर्थ फिर देखिए, शंकराचार्य, बीजम संस्कृति भूमिजस्य, भूमिजस का अर्थ होता है वृक्ष, भूमिज पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला। तो संसार रूपी वृक्ष का बीज है अज्ञान, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग उसके पत्ते हैं, कर्म उसका जल है, शरीर उसका स्तंभ है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां उपशाखाएं हैं, विषय पुष्प हैं, और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है, तथा जीव रूपी पक्षी इसका भोगता है। बहुत सुंदर मंत्र है, बड़े सुंदर अर्थ के साथ में। अब यहां पर संसार को, वृक्ष को, संसार के वृक्ष की तरह बताया, क्योंकि संसार को समझाने के लिए ऐसे ऐसे दृष्टांत शंकराचार्य जी ने शास्त्रों में दिए गए हैं कि जिससे आप संसार के स्वरूप को समझ सकें। बहुत से दृष्टांत दिए गए, अब एक दृष्टांत दिया यहां पर वृक्ष का, क्योंकि वृक्ष के बारे में आप जानते, सब लोग जानते हैं वृक्ष माने पेड़ कैसा होता है, उसकी हर स्थिति को आप लोग जानते हैं कि वृक्ष की स्थिति कैसी होती है, कैसे पैदा होता है, कैसे बढ़ता है, क्या क्या चीज में परिवर्तन आते हैं, क्या क्या चीजें होती, परिणाम क्या है। तो वृक्ष के बारे में आप सब चीजें ठीक से जानते हैं। तो संसार को समझाने के लिए संसार को वृक्ष के रूप से एक तुलना दी गई, संसार एक वृक्ष, और बहुत सुंदर तुलना है। कैसे कैसे वृक्ष की प्रक्रिया चलती है, एक पेड़ कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसका परिणाम क्या है, तो एक एक चीज को शंकराचार्य जी ने यहां पर बताने की कोशिश की है। सबसे पहले चाहिए बीज, भूमिजस्य, संस्कृति भूमिजस्य, संस्कृति का अर्थ होता संसार, संसार एक पेड़ है, संसार वृक्ष, संसार वृक्ष, संस्कृति भूमि जैसी है, ये जो संसार वृक्ष है। तो सबसे पहले जैसे आपको कोई पेड़ लगाना है तो उसके लिए आपको चाहिए उसका बीज, बीज कारण चाहिए पहले, जिससे पेड़ आगे बढ़ेगा। तो उसका पहला कारण क्या है, बीजम संस्कृति भूमि जैसे तमह, तम माने अज्ञान, अज्ञान अविद्या, अविद्या अज्ञान इस संसार, संसार रूपी वृक्ष का बीज है, कारण है। तो जैसे बिना बीज के पेड़ नहीं हो सकता है, वैसे ही बिना अज्ञान के संसार नहीं हो सकता, बिना अज्ञान के संसार नहीं हो सकता। अब इसको आप ठीक से समझना, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा मैं। बीजम संस्कृति भूमि जैसे तू तमह, तो तम माने अंदर अज्ञान, अज्ञान संसार रूपी वृक्ष का बीज है, देहात्म भी अंकुर। अब जो बीज है उस बीज को आप क्या करते हैं कि बीज तो वृक्ष बनेगा, उसकी प्रक्रिया है, आप उसको मिट्टी में डालिए, उसमें नमी जाए, थोड़ा पानी जाए, तो धीरे धीरे बीज से एक अंकुर निकलता है, अंकुर स्प्राउट होता है। इस बीज संसार रूपी बीज का, संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है अज्ञान, और अज्ञान जब अंकुर निकलता है वो कैसा होता है, देहात्मधि मैं शरीर हूं, ऐसा जो विचार है, ऐसा जो थॉट है, ऐसा जो सोचना है, ये सब जो संसार पैदा हो गया। इससे पहले अज्ञान के रूप में बीज के रूप में था, लेकिन जैसे ये विचार आ गया कि मैं शरीर हूं, बस ये समझो अज्ञान अंकुरित हो गया, स्प्राउट हो गया, देहात्मधि अंकुर, ये अंकुर हो गए, धीरे धीरे और बड़ा हुआ हो,
क्योंकि देहात्म थी जब आया, शरीर में अमयपन आया, उसके बाद में अब धीरे धीरे और बढ़ेगा, शरीर के लिए आपको आवश्यकताएं पड़ेगी, शरीर के लिए आपको पदार्थ चाहिए, शरीर के लिए सब चीज, अब उनको आप इकट्ठा करते हो। तो जब इकट्ठा करते हो वो शरीर के लिए अनुकूल होती है, इसलिए उनमें राग पैदा हो जाता है। रागा पल्लवम, राग उसमें जो होता है आसक्ति, अटैचमेंट होने वाला, ये बहुत इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। हम ऊपर की चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। रागा पल्लवम, जो पल्लव मतलब वो उसके पत्ते हैं, पत्ते, वो क्या पत्ते हैं उसके, राग। तो संसार सुंदर है, जैसे किसी पेड़ में पत्ते होते हैं, तो पत्तों से पेड़ की सुंदरता है और पत्तों से पेड़ जीवित है। तो जो राग है, अटैचमेंट है, वह इसका पल्लव है, इसके पत्ते हैं। अंबु कर्म, और वृक्ष है, पेड़ है, तो उसको पानी भी चाहिए, पानी चाहिए। पानी क्या है, हमारे जो कर्म है, एक आसक्ति पूर्वक जो हमारे कर्म है, जिन कर्मों में फलाशक्ति है, ऐसे हमारे जो शुभ कर्म अशुभ कर्म है, वे सब कर्म इसमें पानी का काम करते हैं, इसको और मजबूती प्रदान करते हैं। कोई भी कर्म, वैदिक कर्म हो, शास्त्रीय कर्म हो, लौकिक कर्म हो, कोई भी कर्म होगा, इस कर्म के साथ में आसक्ति है, ऐसे आसक्ति पूर्वक जो कर्म होंगे वह संसार के वृक्ष को पानी की तरह काम करते हैं, पानी की तरह ताकत देते हैं। अंबु कर्म, बपुष्कंध, अब इस संसार वृक्ष और बड़ा हुआ, पानी भी मिला, अब इसका जो स्कंद माने टंक, वो टंक क्या, जो उसका स्कंद बीच का मोटा वाला भाग, वो क्या है, शरीर। यहां पर देखना आप, समष्टि और व्यष्टि दोनों को मिला दिया गया। तो जो शरीर है हमारा, ये शरीर ही संसार वृक्ष का बीच का जो मोटा हिस्सा है, इसकी जड़ें नीचे हैं, ये शरीर आपको दिख रहा है, ये शरीर इसका स्कंद है, स्कंद माने बीच का हिस्सा। असवा साखी का, और जो प्राण है वो शाखाएं हैं, शाखाएं हैं प्राण के रूप में, जो हमारे प्राण है, पांच प्राण है। तो जब स्कंद हुआ, स्कंद से फिर शाखाएं निकलती, ब्रांचेस, अब वो ब्रांच के रूप में क्या है, तो शरीर का रूपी ये सब संसार रूपी, संसार और शरीर एक साथ कर दिया शंकराचार्य जी ने यहां पर। तो संसार क्या, जो प्राण है शरीर के, एक उसकी शाखाएं हैं, उसके ब्रांचेज है। प्राण, और उसके बाद इंद्रिय आ गई, तो एक तो मोटी मोटी शाखाएं होती हैं, और उसके बाद उससे और छोटी शाखाएं निकलती, उसको उपशाखा बोलते। शरीर जैसे जैसे उसका ट्रंक है, उसमें से कुछ ब्रांच निकली, फिर ब्रांच में से और ब्रांचेज निकली, ऐसे ही यहां पर जो इंद्रियां हैं, अग्राणी इंद्रियां सहितिष्ठ, जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये सब उसकी शाखाओं में से निकली, और शाखाएं, और शाखाएं। फिर अवे वृक्ष थोड़ा बड़ा है, सब शाखाएं उपशाखाएं सब हो गई, फिर उसमें लगते पुष्प फूल। इसके फूल क्या है, विषय विषा विषया पुष्पाणी, जो विषय ऑब्जेक्ट्स है, जो पदार्थ है संसार के, ये इसके फूल है। जैसे पेड़ में आपको सुंदरता दिखाई पड़ती है फूलों में, ऐसे ही जितने संसार के ऑब्जेक्ट हैं, जितने संसार के पदार्थ हैं, ये सब सुंदर दिखते हैं, ये सब फूल का काम करते हैं।
यहां तक हो गया। दुखम फलम नाना कर्म समुद्भवम, अच्छा इसका फल क्या, परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है। आपने कोई पेड़ लगाया और पेड़ में यदि फल नहीं आते तो बोलते निष्फल हो गया। आप दो शब्द समझते हो, निष्फल एक सफल, ये दोनों फल पेड़ से जुड़े हुए हैं। दोनों शब्द पेड़ से जुड़े हुए हैं कि जब आपने कोई पेड़ लगाया, तो जब आपने केले का पेड़ लगा दिया, केले का पेड़ बड़ा हुआ और उसमें केला लग गया, उसका काम खत्म, सफल हो गया, फल के साथ हो गया, इसलिए लगाया था उसका उद्देश्य पूरा हो गया। हम बोलेंगे केला लगाना सफल हो गया। आपने आम लगाया, आम पर आम आ गए, उसके फल आ गए, आपका लगाना सफल हो गया, नहीं आया तो निष्फल हो गया। तो ये दोनों शब्द सफल और निष्फल, इस दोनों शब्द जुड़े हुए हैं आपके पेड़ के साथ। तो संसार ये जो वृक्ष है, इस संसार वृक्ष में फल क्या लगता है, कहते हैं नाना कर्म समुद्भवम बहुविधम, अनेक प्रकार के जो हमने कर्म किए होते हैं उन कर्मों के परिणाम स्वरूप इस संसार के ऊपर फल क्या लगता है, दुखम फलम, दुख इसका फल है, इसमें और कोई फल नहीं लगता, दुख रूपी फल है। अल्टीमेटली परिणाम स्वरूप हर चीज जाके दुख में परिवर्तित हो जाती है। तो अब आप देखिए इसका बीज कहां पर है, तम अज्ञान, परिणाम कहां पर आया, फल दुख के रूप में, दुखम फलम। तो संसार वृक्ष का वृक्ष के ऊपर लगने वाला जो फल है वो फल हमेशा ही अंतिम रूप से दुख के रूप में बदलता है। भोक्तात्र जीव खगः, किस लिए, किसके लिए फल, किसके लिए है फल का कोई भोक्ता, कोई खाने वाला हो फलों को, तो लिखा है जीवा खगा, खग का अर्थ होता है पक्षी, पक्षी बर्ड्स। तो अब आपने पेड़ लगा दिया, पेड़ के ऊपर कोई पक्षी आके बैठता है, फलों को खाता है, स्वाद लेता है। आपने पेड़ लगाए, पेड़ के ऊपर पक्षी आके बैठते हैं और खाते हैं। तो संसार रूपी जो पेड़ है, इस संसार रूपी जो वृक्ष है, इस वृक्ष ऊपर बैठने वाला जीव बीज पक्षी कौन है, बोले जीवा, जीव, जीव। इस सारी की सारी चीजें किसके लिए हुई है, जीव के लिए हुई है। जीव मतलब जब वो परमात्मा अपने को शरीर के द्वारा प्रकट करता है उस समय उसका नाम जीव हो जाता है। जब वो परमात्मा अपने आप को किसी किसी खास शरीर के द्वारा, किसी खास शरीर के द्वारा प्रकट करता है तो जीव हो जाता है। देखो जीव कभी मरता नहीं है, कैसे मरेगा, है ही नहीं, जो चीज हो नहीं सकती वो मरेगी कैसे। तो जीव, जीवा खगः, जब वो परमात्मा अपने को किसी शरीर के माध्यम से प्रकट करता है, किसी खास शरीर के द्वारा प्रकट करता है, उस समय उसका नाम पड़ जाता है जीव, ये हो जाता भोक्ता। भोक्ता अत्र जीवा खगः, ये वहां पर फलों को खाता है, फल क्या है, दुख, ये दुख रूपी फलों को खाते रहता है और दुखी रहता है। ये संसार एक वृक्ष, ये वृक्ष का कारण क्या है, इसके लिए जीव के लिए है, ये पूरी प्रक्रिया। और इस रूप का वर्णन बहुत जगह किया गया, गीता में भी आपने देखा, उपनिषदों में भी बहुत जगह है कि संसार एक वृक्ष है। शंकराचार्य ने बहुत सुंदर तरीके से उस वृक्ष की हर चीज को, उसके हर एक एज को,
हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पत्ते फल फूल क्रिया कैसे बढ़े पानी, हर चीज को बताया गया है इसका भुक्ता जीवात्मा। अब अगला मंत्र देखिए, अज्ञान मूलो अयम अनात्म बंधो नैसर्गिको अनादि अनंत ईरितः जन्म अप्यय व्याधि जरा दुख प्रवाह पातम जनयत्यमुष्य। अर्थ देखो, यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया, यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा आदि दुखों के प्रवाह को उत्पन्न कर देता। अर्थ फिर समझ लीजिए, यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है, यही जीव के राग जन्म मरण व्याधि और वृद्धावस्था आदि दुखों के प्रवाह को उत्पन्न कर देता। अज्ञान मूलो अनात्म बंधन, अब आत्मा और अनात्मा का जो बंधन है आइडेंटिफिकेशन, इसका मूल मूल क्या हो गया, अब आपको पता चल गया अज्ञान। अज्ञान मूल है, इसका मूल अज्ञान है। आप कुछ भी ऊपर से नुकसान पेड़ में कर सकते हो, लेकिन जब तक उसकी जड़ है मूल है वो स्थित रहता है। तो इस अनात्म बंधन का से गुरु कहते हैं कि ये जो बंधन प्राप्त हुआ है, ये बंधन का मूल है अज्ञान। अज्ञान नैसर्गिक है, ये शब्द थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। नैसर्गिक अर्थ है कि बाई नेचर, नैसर्गिक अर्थ ए नेचुरल है। नेचुरल कैसे, जैसे शीशे में प्रतिबिंब पड़ता है, आप सब कहीं पानी के पास खड़े हैं, आपके पानी आपका प्रतिबिंब पड़ता है, ये स्वाभाविक है। इसमें ना आपको कुछ करना है, ना पानी को कुछ करना है, ना आपके प्रतिबिंब को कुछ करना है, ये नैसर्गिक है। जब जब आप कभी आप ऐसे आएंगे प्रतिबिंब पड़ेगा, ये नैसर्गिक है। क्या अनात्म बंध अनादि अनंत ईरिता, और कहते हैं इसको ईरिता माने कहा गया शास्त्रों में, इसको अनादि बताया गया अनंत बताया गया। अनादि का अर्थ है। अब आप ये समझे कि शीशे में प्रतिबिंब कब से पड़ रहा है, पानी के अंदर आपका जो प्रतिबिंब पड़ता है कब से पड़ रहा है, बस पड़ रहा है और अनंत भी है। कब तक पड़ेगा, अनादि है अनंत। तो पानी के अंदर में शीशे के अंदर में आपका जो प्रतिबिंब पड़ता है वो अनादि है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। आप पानी के अंदर में कई बार लहरें उठेंगे, लहरें उठने से आपको बेचैनी होने की जरूरत नहीं, और आपके प्रतिबिंब को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। इसलिए भगवान ने गीता में बोला न रूप मसेह तथोपलभ्यते, जैसा दिखाई पड़ता है ही नहीं होता। तो जैसे पानी के अंदर में आपका प्रतिबिंब पड़ा, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, अनादि है, अनंत भी है, जब भी आप जाओगे प्रतिबिंब पड़ेगा, ऐसा बताया गया। अब यहां पर अनात्म बंध कब से है, स्वाभाविक है, जैसे अंतःकरण है उस तमोगुण के कारण उस परमात्मा का प्रतिबिंब इसमें पड़ेगा। इसलिए वेदांत में जीव को अनादि बोला गया, अनादि है। इसके लिए ना तो परमात्मा ने कुछ किया ना आपने कुछ किया। जैसे भी लाइट जलती है और लाइट जलने के बाद में बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो लाइट को क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
जैसी है वैसी रहेगी, केवल प्रकाश नहीं आएगा, प्रकाश बंद हो गया, लाइट में शक्ति अभी भी है। तो वैसे ही जैसे जैसे इस अंतःकरण के अंदर में नैसर्गिक को अनादि अनंत इरिता, शास्त्रों में कहते इसको नैसर्गिक बताया गया, अनादि बताया गया, अनंत बताया गया। अब आपके मन में दुविधा पैदा हो जाएगी, अनंत है तो फिर हम वेदांत पढ़ के करेंगे क्या? आपका काम खत्म हो जाएगा ना, दूसरी जगह तो रहेगा ना। वो एक शीशा टूट गया, एक तालाब में पानी सूख गया, वहां प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा, एक तो पड़ेगा, ये तो नेचर है। अब बोले हम तो क्या फायदा कर? फायदा कि आप यहां पड़ने वाला प्रतिबिंब ये चलो मुक्त हो गया, लेकिन आगे तो प्रतिबिंब तो पड़ेगा ही, इसीलिए अनादि अनंत इरिता। और इसी के कारण जन्म, मैं जन्मा, मालूम है आपको जन्म की तारीख मालूम है, क्योंकि दूसरों ने बताई आपको, आप तो होश में नहीं थे, लोगों ने बता दिया जन्म, अपय मृत्यु। क्योंकि जब शरीर अनात्मा बंधन हुआ, अनात्मा के साथ में मान लिया, तब इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरे साथ हो रहा है। इसका जन्म हुआ तो मैं जन्मा, इसकी मृत्यु हो रही है तो मैं मर गया। अजीब कहानी है, न जन्म के बारे में मालूम है, न मृत्यु के बारे में जरा भी कुछ मालूम है, लेकिन बहुत पक्का भरोसा है मैं जन्मा हूं, बहुत पक्का दृढ़ विश्वास है मैं मर भी जाऊंगा। तो जब जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई अनुभव नहीं है, न तो जन्म के बारे में आपके पास कोई अनुभव है, न मृत्यु का कोई एक्सपीरियंस है, व्याधि, जब ये चीजें मान ली तो बीमारी भी आएगी, वृद्धावस्था भी आएगी। प्रवाह पातम, दुख प्रवाह पातम, शंकराचार्य कहते दुखों का प्रवाह एक नदी, बाढ़ आ जाती, बाढ़, दुखों की बाढ़ आ जाती है उस व्यक्ति के लिए जिसने इस प्रकार से इस अनात्म बंधन में अपने को बांध करके समझ लिया। प्रवाह पातम जनयति, प्रवाह, दुखों का प्रवाह उत्पन्न हो जाता है केवल एक कारण से, एक कारण से। तो आज हम लोग अभी यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।